हाय ऑल यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। मैं सविता स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह, और कौन सी जगह जा रहे हैं ये तो आप लोग जान ही गए होंगे, थंबनेल देखकर तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। लेकिन चलिए मैं बता देती हूँ, हम जा रहे हैं आज स्टेट म्यूज़ियम ईटानगर। तो हम लोग हैं तो वैसे ईटानगर में ही, लेकिन म्यूज़ियम हम लोग आज जा रहे हैं। और म्यूज़ियम खास होता ही है क्योंकि वहाँ तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, और क्या क्या मिलेगा ये तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन हाँ एक्साइटेड मैं हूँ क्योंकि यहाँ पे ये पहाड़ी क्षेत्र है और प्लस जंगली इलाका है, तो यहाँ तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो क्या क्या मिलता है सारी चीज़ें आप सभी को भी दिखाऊँगी साथ में, तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में। और अच्छा लगे ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं मेरे चैनल पर। तो चलिए बने रहिए पूरे ब्लॉग में और बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे आप सब भी, मैं तो करूंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मैं हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ यहाँ, और एक्साइटेड हूँ कि क्या क्या है यहाँ के म्यूज़ियम में। इसलिए तो चले बने रहिए पूरे ब्लॉग में। अब हम लोग पहुँच ही गए हैं, थोड़ी दूरी और बाकी है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच गए, और ये देख सकते हैं आप लोग, ये है स्टेट म्यूज़ियम ईटानगर में। और हम लोग जा रहे हैं अभी अंदर और देखते हैं क्या क्या है और यहाँ का फीस कितना है, सब चीज़ आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। वैसे तो मैं ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं करूँगी, जो जैसा है वैसा ही आप सभी को दिखाऊँगी मैं। तो पूरे ब्लॉग को आप लोग देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, और जो चीज़ें आप सभी जान रहे होंगे वो मुझे भी कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले हम लोग अंदर आ गए हैं, और यहाँ पर एक आदमी का टिकट 20 रुपया है। तो हम लोगों ने टिकट लेकर और एंट्री कर लिया है अंदर में, और सबसे पहले देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा यहाँ का जो भी आपको देखने के लिए मिलेगा ना। नीचे ये फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है, तो नीचे फ्लोर में आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ की जो भी चीज़ें पहले से चली आ रही है ना, वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ के लोग क्या क्या पहनते थे, किस तरह का काम करते थे, क्या क्या इनका जो यूज़ में आने वाला चीज़ था, वो टोटल चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। तो आप लोग प्लीज़ देखिए और इन्जॉय करिए। डर लग रहा है, नहीं डरना ना, इस तरह से अंदर में लगाया हुआ है ना कि यहाँ क्या हो रहा है, कपड़ा बुनाई हो रहा है ना। इस तरह का कपड़ा बुना जाएगा। ये क्या है, क्या है ये? क्या पता? वो चिलम है का? लग रहा है चिलम, वो भी लग रहा है वही है। वही सब मतलब अलग अलग तरीके का पीने वाला हमको लग रहा है ना। ये बंदर लोग, अच्छा ये भी पीने वाला ही है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि हर एक चीज़ इतनी कलाकारी के साथ बनाया हुआ है ना कि एकदम लग रहा है ना रियल हो जैसे एकदम सारा चीज़। मुझे तो पास से देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं इन सभी चीज़ों को एकदम सामने से फील कर पा रही हूँ। बहुत सुकून मिल रहा था देखकर, पहाड़ी क्षेत्र का हर एक चीज़ जो था ना वो सारा यहाँ पर था, जो कि ईटानगर के लोग पहले से शुरू से ही जिस तरह के जीवन जीते आ रहे थे वो सारा चीज़ यहाँ पर दिखाया हुआ है। यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा था अंदर में देख करके, आप लोग भी देखिए और एंजॉय करिए। बता नहीं रहे, चले जा रहे हैं।
इधर के लोग हैं, ये इधर के लोग हैं, एकदम लग रहा है कि रियल है, कैमरा में तो एकदम लग रहा है कि रियल है। बुढ़ाऊ बाबा है। यहाँ की कुछ कुछ चीजें थी जो मुझे समझ में आ रही थी, और बहुत सारी चीज़ें थी इसलिए ना, हर चीज़ का तो लिखा हुआ था कौन सा चीज़ कब यूज़ किया जाता था, लेकिन उतना पढ़ने के लिए टाइम नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हमारे पास नहीं था कि हम वहाँ पे घूम सके और देख सके। और यहाँ हर जगह पे ना नंबर लगाया हुआ है कि सबसे पहले कौन सा चीज़ यूज़ किया जाता था, उसके बाद कौन सा चीज़ यूज़ किया जा सकता था। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मुझे समझ में आ रही, ये सारी चीज़ ना मैं उन लोगों के रखने के सामान है जिसमें वो लोग चीज़ें रखा करते थे। तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, सारी चीज़ें तो मैं नहीं समझा पाऊँगी, जो जो समझ में आ रहा है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये टोपी है जिसे हम लोग कैप बोलते हैं, जिसे सिर में पहनते हैं। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि कौन सा डिज़ाइन, मतलब जो था वो कब यूज़ किया जाता था, उसे कौन पहनते थे। पहले के राजा महाराजा जो थे वो लोग पहनते थे, अभी तो सारे जो है कॉमन हो गया है। और मैंने बहुत लोगों को ऐसा वाला अभी पहना हुआ भी देखा है इस तरफ। और यहाँ पे कपड़े हैं जो कि किस टाइम के कपड़े हैं, किसके कपड़े हैं, ये टोटल चीज़ यहाँ पे ना डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन हर एक चीज़ समझाने का उतना टाइम नहीं था और पढ़ने का, इसलिए हम लोग ज़्यादा वहाँ पे ना स्टडी नहीं कर पाए और सभी चीज़ों को नहीं समझ पाए। यहाँ पे देख सकते हैं लोहा को लोग किस तरह से, लोहा का काम करते थे ना, लोहा की चीज़ें जो बनाते थे वो किस तरह से बनाते थे, वो चीज़ों को दिखाया गया है। और लग रहा है ना बिल्कुल नेचुरल, एकदम लग रहा है जैसे कि रियल वाला जो फोटो होता है ना वो वाला है, सामने में लोग खड़े हों। यहाँ पे भी देख सकते हैं कपड़ा बुनाई हो रहा है। यहाँ पे ये सुअर है जो कि यहाँ का फेमस चीज़ है, तो यहाँ पे खाना खिलाया जा रहा है। उधर कोई बुढ़ऊ बाबा हैं जो कुछ कर रहे हैं बैठकर। सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया है, बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो पीछे में पहाड़ देख रहे हैं आप, घर देख रहे हैं, घर भी बिल्कुल पहले ऐसा ही हुआ करता था। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं, सभी चीज़ों को आप जब एकदम बारीकी से समझेंगे ना, बहुत ज़्यादा सुकून भरा लगता है। जब जो पहले के लोग जो लाइफ जीते थे वो बहुत ही ज़्यादा सुकून भरा लगता है। हाँ तो आइसक्रीम बाहर में है, ये यहाँ का ज्वेलरी। अच्छा।
ये सारा सब चीज ना रस्सी वगैरह। हर जूता के नीचे लगाया जाने वाला है, कोई जूता पास में नहीं है, इसलिए कहने के ऑक्सीजन, ये तो ऑक्सीजन है। और ये मास्क चेहरा पर है, आँख को बचाता है। जब उस समय मिंटल का बोतल था, मिंटन का 2009 का, कब कह रहे ये कौन है? वही उन्हीं अच्छा यहाँ पे बहना है उन लोग का ना। और ये क्या करने वाला है? हमको लगता है देखिए चोटी करने वाला है। हाँ ये गला का है, ये सब गला में पहनने वाला है। ये कमर में पहन दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ की है ना, वो देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे जो पहले जानवर पाया जाते थे, अभी भी हैं लेकिन अभी कम हो गए हैं, कुछ तो ख़त्म ही हो गए हैं। तो वो सारे जानवरों का जिंदा यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिर लगाया हुआ है। ये है गिद्ध का, जो कि आप लोग भी जानते हैं। और ये है हिरण का, हिरण जो 12 सिंगा 13 सिंगा ऐसे कहते थे ना, वही वाले देख सकते हैं। ये सब रियल वाला है, ये बनावटी बिल्कुल भी नहीं है। और एक जानवर यहाँ पे हुआ करता है जिसका नाम है मिथुन, तो उसका 2 यहाँ पे सिर जो है वो लगाया हुआ है, तो बड़ा ही देखने में भयानक था, लेकिन रियल में लगाया हुआ था, सच मानिए हम लोगों ने वहाँ पे देखा। और यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते थे, वो सारे जानवरों का यहाँ पे देख सकते हैं बनाकर ये लगाया हुआ है। ये लकड़ी का बनाया हुआ है और टोटल चीज़ें यहाँ पे लगाई हुई हैं कि पहले कौन कौन से जानवर थे। और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग देख सकते हैं। अगर आप सभी को पता हो तो आप लोग मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
आयरन लोहा का जो यूज करते ये पत्थर का बना हुआ है। ये सब भी पहले का ही है ना। इसमें पानी रखा था होगा। ईटा पर देखो चिन्ह है। अच्छा, पहले का जो भी होगा वो सब का चिन्ह है। आदमी का भी है वहां, देखिए उंगली। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं अभी बाहर और हम लोगों ने सारा म्यूजियम देखा, अंदर में क्या चीजें कैसी कैसी हैं। तो आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देख सकते हैं ये है बाहर का नज़ारा, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये काफ़ी ऊंचाई पे है इसलिए पूरी जो भी है ईटानगर की खूबसूरत सी दृश्य जो है वो दिख रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा आप लोगों को ये भी ब्लॉग।